हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट चलो स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का यह वीडियो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए, सेमेस्टर वन के लिए हम बताए थे पिछली वीडियो में कि आप लोग का जो है सो जून का फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इससे जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का डेट सेमेस्टर सिक्स वालों का आ चुका है, ठीक है। देखिए, सेमेस्टर सिक्स वालों का आ चुका है, तो उनमें उनका एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन किया हुआ है कि कब संभावित हो, मतलब कब संभावना है कि होगा सो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके अनुसार आप लोग का एग्जाम कितना जल्दी हो जाएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब लीजिए, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले और सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसी चैनल में देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सेमेस्टर वन का एग्जाम कब होगा, इलेक्शन स्टूडेंट्स, इलेक्शन के कारण आप लोग का जो है सो एग्जामिनेशन स्थगित कर दिया गया, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो वह नोटिस कब निकलेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, 20 तारीख को तो हर जगह इधर मेरे एरिया में है, ठीक है, क्या है मेरे एरिया में इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन है, तो सारे एरिया में लगभग 20 के लगभग में ही इलेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हो सकता है स्टूडेंट्स कंडीशन बन रहा है कि 25 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम एकदम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है, मतलब 99%, ठीक है, 99% चांस है कि आप लोग का 25 से स्टार्ट हो के 10 जून तक में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट्स 1 जून से स्टार्ट हो जाए और 10-15 जून होते होते ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सेकेंड वीक जून का नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून आप लोग उससे पहले ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज का जो सेमेस्टर सिक्स वालों का जो नोटिस निकला है उसमें बोला गया है कि सेकेंड वीक ऑफ जून में सेमेस्टर सिक्स वालों का एग्जाम होगा। इसका कहने का मतलब वो सब जान रहे हैं कि सेमेस्टर वन का उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्लियर रहिएगा, ठीक है, तैयारी बुलंद रखिएगा स्टूडेंट्स। और आप लोग का जो फाइनल जो बता दिए डेट, 25 के बाद स्टार्ट होने का 99% चांस है, ठीक है, और हो सकता है स्टूडेंट्स इसी महीने में स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और चांस तो है स्टार्ट होने का, बाकी हो जाएगा और होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, चांस है 99% मतलब होगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि नोटिस कब निकलेगा, नोटिस आप लोग को जो है सो 20 तारीख के लगभग में निकल जाएगा, इससे पहले निकलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, 20 तारीख से पहले निकलने का ज़्यादा चांस है नोटिस आप लोग का, और निकल ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि कब से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सेकेंड वीक नहीं जाएगा जून का, अगला महीना का सेकेंड वीक नहीं जाएगा, उससे पहले आप लोग का ख़त्म हो जाएगा हर तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिकल भी और इधर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 25 से अगर स्टार्ट नहीं होगा या फिर इस महीने से स्टार्ट नहीं होगा तो आप लोग का कैसे ख़त्म होगा, तो पूरा क्लियर बता दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग को समझना खुद है। तो स्टूडेंट्स जो है सो इसी महीने में स्टार्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, हम तो मिला जुला के ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग का जो सेकेंड वीक है उससे पहले प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट्स, मेजर फाइव जो होता है, मेजर फाइव ने आप लोग का तो वन मतलब एक ही तो मेजर है, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल का दिया अगर होगा तो होगा, और नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। हमको जहाँ तक लगता है स्टूडेंट्स, आप लोग को नहीं ही दिया होगा, नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा और आराम से जून में स्टार्ट होके सेकेंड वीक तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो गया, ये सारा तैयारी बुलंद रखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और सारा तरह का नोटिस आप लोग को सबसे पहले इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरटेनमेंट के साथ। जय हिंद, वंदे।